हे गाइस, वेलकम बैक टू द गीक मैस चैनल। ये है हेलिक्स मेटल फिट, एक बजट स्मार्ट वॉच है जो कि रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है 2799 रुपीज की अफोर्डेबल प्राइस टैग के साथ। हालांकि आप में से काफी लोगों ने जो है इस ब्रांड का नाम पहले शायद नहीं सुना होगा, बट आपने इसकी जो पेरेंट कंपनी है टाइमेक्स उसका नाम तो जो है डेफिनेटली सुना होगा। टाइमेक्स ग्रुप जो है वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर वॉच मेकर में से जो है एक है, तो ये हेलिक्स जो है उन्हीं की एक सब ब्रांड है। तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से चेक करते हैं इसका डिटेल रिव्यू। तब हमेशा की तरह सबसे पहले जो है बॉक्स कंटेंट की बात करें तो एक यूजर मैनुअल है एंड एक चार्जिंग केबल है, मैग्नेटिक पिन के साथ है, तो चार्ज करने में आपके लिए जो है काफी आसानी होगी। एंड फाइनली है हमारी वॉच जो कि है ब्लैक कलर में, बट अगर आपको ब्लैक कलर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास ग्रे, डार्क ब्लू एंड पिंक कलर का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करें सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड की, तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड वैसे वॉच की जो है वो काफी अच्छी है, या फिर आप इसे डिसेंट जो है वो कह सकते हो। स्पेशली बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी काफी अच्छी है, चाहे हम बात कर ले मेटल चेसी की या फिर स्ट्रैप बेल्ट की, देखने में और टच करने में जो है आपको एक प्रीमियम फील कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे मिल जाता है। स्ट्रैप जो है इसका वो सिलिकॉन मेड है, काफी अच्छी क्वालिटी का है। ऑफ कोर्स मेटल वाला पार्ट देख के शायद आपको ये थोड़ा आउटडेटेड लग सकता है, बट मुझे ये काफी कंफर्टेबल लगा। एंड ये रिमूवेबल है तो आप बाद में जो है इसे चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। अब डिस्प्ले की बात करें तो फर्स्ट इंप्रेशन में आपको डिस्प्ले काफी छोटी लगेगी, एंड एक्चुअल में ये छोटी ही साइज है। डायमेंशन इसका अप्रोक्स होगा 1.5x1.2 इंच, एंड उसमें से स्क्रीन एरिया जो है वो आपको अप्रोक्स 1x1 इंच ही शायद यहाँ पे मिलेगा। तो ये स्क्रीन जो है थोड़ी सी छोटी है, जिसे आप अच्छी बिल्ड क्वालिटी के लिए जो है कॉम्प्रोमाइज भी बोल सकते हो, या फिर आप इसे जो है एक यूनिक डिजाइन में भी जो है कंसिडर कर सकते हो। जैसा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बिग एंड बल्की डायल जो है अपने स्मार्ट वॉच में पसंद नहीं करते, और उसी रीजन से वो लोग फिटनेस बैंड ही जो है ज्यादा प्रिफर करते हैं, तो इनके लिए जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि काफी कॉम्पैक्ट है, प्लस ये काफी ज्यादा जो है लाइटवेट भी है। आई थिंक इससे ज्यादा लाइटवेट स्मार्ट वॉच मैंने मार्केट में जो है अभी नहीं देखी है, तो कहीं ना कहीं इसकी स्मॉल साइज का कंफर्ट में जो है ज्यादा फायदा मिलता है। बाकी जैसा कि पहले कहा था कि बेजल जो है थोड़ी सी बड़ी है, स्पेशली बॉटम साइड में, बट ऑफ मोड में जो है डिस्प्ले पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाती है, तो दूर से आपके वॉच का जो है लुक है वो खराब ये नहीं करती, बट डिस्प्ले ऑन होते ही ऑफकोर्स वो जो है थोड़ा सा दिखेगा। अब डिस्प्ले की क्वालिटी की बात कर ले तो डिस्प्ले वैसे डिसेंटली ब्राइट है, इवन डे लाइट में भी कहीं भी प्रॉब्लम जो है नहीं आती। टोटल 5 लेवल की ब्राइटनेस जो है यहाँ पे ऑफर की जाती है इस वॉच में, और ओवरऑल यूज करने में कोई प्रॉब्लम जो है यहाँ पे नहीं आती। यूजर इंटरफेस की बात करें तो काफी क्लीन एंड सिंपल यूआई का, एंड मिनिमम एनिमेशन है, तो कहीं पे भी लैग जो है आपको फील नहीं होगा, एकदम स्मूथ वर्क जो है ये करता है। एंड डिस्प्ले की जो टच रिस्पॉन्स है वो भी काफी अच्छा है, सब कुछ जो है आप यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम स्वाइप करके जो है यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास फिजिकल बटन जो है इस वॉच में कोई भी नहीं है, जिसे आप इसका एक एडवांटेज या फिर एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी कह सकते हो। एडवांटेज ये है कि इससे आपको वॉच को जो है यूनिक एंड क्लीन लुक जो है मिलता है, साथ ही साथ IP67 वाटरप्रूफ एंड डस्टप्रूफ जो रेटिंग है वो मैनेज करने में जो है इस वजह से पॉसिबल हो पाया। अब ये हो गया इसके सारे एडवांटेज। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि अगर आप स्मार्ट वॉच टर्न ऑफ कर देते हो तो वापस ऑन करने के लिए इसे आपको एक बार फिर से जो है चार्जर से कनेक्ट करना होगा। बाकी यूज करने में आप बटन को जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, सिंपल UI है, कोई प्रॉब्लम जो है यहाँ पे नहीं आती यूज करने में। अब वॉच फीचर्स की बात करें तो बेसिक फिटनेस के रिलेटेड सारे फीचर्स जो आपको इस वॉच में मिल जाते हैं, जैसा कि स्टेप काउंटिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2 ट्रैकिंग, स्लीप ट्रैकिंग एंड एक्टिविटी ट्रैकिंग, जिसमें आपको टोटल 10 डिफरेंट स्पोर्ट मोड मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इसमें जो है मैसेज, कॉल एंड ऐप नोटिफिकेशन भी जो है ऑन स्क्रीन पे मिल जाएगी। बाकी म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल एंड फाइंड माई फोन जैसे फीचर्स तो आपको इसमें मिलेंगे ही। तो ओवरऑल आजकल बजट स्मार्ट वॉच में जितने फीचर्स मिलते हैं या फिर होने चाहिए वो सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, एंड वो भी सही से जो है वर्क करते हैं। अब एक्यूरेसी की बात कर ले, लेकिन इससे पहले इसके ऐप के बारे में बात करें तो इसे यूज करने के लिए जो है आपको हेलिक्स स्मार्ट ऐप जो है डाउनलोड करनी होगी, जो एंड्रॉइड एंड आईफोन दोनों के लिए जो है अवेलेबल है। ऐप जो है वो काफी अच्छे से जो है ऑप्टिमाइज है एंड इजी टू यूज है, एंड इस ऐप को आप स्मार्ट वॉच के सबसे बड़े एडवांटेज में भी जो है काउंट कर सकते हो। मेरे 2 डेज यूज में ऐप में मुझे कोई भी ग्लीच या फिर कहीं पे भी जो है बग देखने को नहीं मिला, और ना ही डेटा सिंक्रोनाइज या फिर कनेक्शन को लेके जो है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम दिखी। इस ऐप में आपको सारे जरूरी फिटनेस रिलेटेड फीचर्स या फिर स्मार्ट वॉच रिलेटेड जो सेटिंग्स है वो मिल जाती है, जैसे कि वॉच फेस हो गए, जिसमें से 2 या 3 वॉच फेस जो है आपको स्मार्ट वॉच के अंदर ही मिल जाएंगे, जहां से आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अलग से वॉच फेस चाहिए तो आप यहाँ पे ऐप के अंदर भी आपको एक ऑप्शन दिया है, वहां से कर सकते हो, जहाँ पे आपको 20 से 30 वॉच फेस मिल जाएंगे,
अभी थोड़े से कम है, बट नेक्स्ट अपडेट में आपको और भी बहुत सारे वॉच फेस जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड दूसरी बात कि ऐप जो है थर्ड पार्टी फिटनेस ऐप गूगल फिट को भी जो है सपोर्ट करती है, तो आप उसे भी कनेक्ट करके जो है यूज़ कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब एक्यूरेसी की बात करें तो मैंने यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग एंड SPO2 ट्रैकिंग जो है मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो एक्यूरेट लगे, यानी कि दूसरी जो स्मार्ट वॉचेज है इस प्राइसिंग में उनसे रिजल्ट जो है काफ़ी मिलता जुलता जो है। तो ये पूरा जो है एक्यूरेट कभी नहीं हो सकता, और वो बात शायद जो है आप लोग भी जानते होंगे। बाकी इसके अलावा स्टेप काउंटिंग जो है उसकी बात करें तो उसमें मैं कहूँगा कि 80% जो है ये एक्यूरेट यहाँ पे रहता है, क्योंकि स्टेप थोड़े से यहाँ पे जो है मुझे ज़्यादा काउंट होते हुए लगे, जिस वजह से डिस्टेंस भी थोड़ा सा एक्यूरेट यहाँ पे नहीं लगता। और ये बात मैं इस प्राइजन के जो दूसरे फिटनेस बैंड है या फिर जो स्मार्ट वॉचेज है बजट इस रेंज में उसके कंपेयर करके ही जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। पूरी तरह से एक्यूरेट तो किसी में भी जो है नहीं हो सकता, अकेला 3 एक्सिस एक्सेलोमीटर सेंसर जो है काफ़ी भी कभी भी जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाता, बस सॉफ्टवेयर साइड में थोड़ा बहुत एल्गोरिथम में एडजस्टमेंट करके जो है डेटा एक्यूरेट बनाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये करने की ज़रूरत है, एंड आई थिंक नेक्स्ट अपडेट में जो है ये हो भी जाएगा। तो ओवरऑल जो है मैं इसे एक डिसेंट बजट स्मार्ट वॉच जो है कहूँगा। यूनिक इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं जो आजकल एक बजट स्मार्ट वॉच में जो है आपको देखने को मिलती है। आपको इसके अगर डिज़ाइन पसंद आती है एंड एक स्मॉल साइज कंफर्टेबल अगर आपको स्मार्ट वॉच की ज़रूरत है तो जो है आप इसके साथ जा सकते हो। तो बस यही था इसका डिटेल रिव्यू। अगर फिर भी कोई अगर आपका सवाल जो है इस वॉच को लेकर रह जाता है मन में, तो आप बिंदास जो है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको स्मार्ट वॉच खरीदने में कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट geekmen.in पे जाके बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 3000, 5000, 10000, 15000 की जो लिस्ट है वो चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट जो है मिल जाएंगे, ताकि आपके लिए जो है एक स्मार्ट वॉच खरीदना जो है वो आसान हो जाए। तो ज़रूर चेक करिएगा, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है फिर मिलूंगा आपके एक नए वीडियो के साथ, तब तक।